हाई एवरीमान गुड इवनिंग वेलकम टू अन आदमी कैसे ऐसा बच्चे येस हाउ आई यू प्लीज टेल मी दैट यू ऑल कैन ह्योर मी प्रॉपरली सी मी क्लियरली येस हाई एवरीवान कैसे हमारी ज बच्चा पार्टी गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी मेरा नाम है सीप पाहूजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यू जी कैटेगरी फॉर द पास्ट एट नाइन ईयर्स अब मैं काउंट करना छोड़ चुकी हूँ ठीक है ऐसे इससे मुझे मेरी एज याद आ जाती है ना तो मैं अपनी एज क्यों देखूँ है ना तो बहुत साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं वो मेरे नाम से यूट्यूब पर डाले मैं मिल जाऊँगी आसानी से जिसने मेरे से आज तक कभी पढ़ाई नहीं करी है वो गूगल पे लिंक ट्री सीप पाहूजा डाले लिंक ट्री के प्लस से, या फिर से वो रेगुलर यहाँ क्लास लगाने आए टाइमली आए और रोज आए मेरी कोशिश रहेगी मैं अपना बेस्ट डिलीवर करूं सो दैट यार आपकी नीट की जर्नी में बायोलॉजी एटलीस्ट आपकी सॉर्टेड हो जाए बहुत सारे लोग पिछले कुछ सालों से एडमिशन ले रहे हैं इसी बायोलॉजी को पढ़ के तो यार अगला नंबर तुम्हारा ही है तुम भी अगर उस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा भी एडमिशन होगा तो हमने यार समर्थ बैच में स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करा था कि नहीं करा था यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो आज हम

फिर हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर देखा भर भर के स्पोरोजीनियस टिश्यू भरा हुआ था उस स्पोरोजीनियस टिश्यू में हमने आगे डिवीजन कराई एक बार कराई दो बार माइटोसिस कराई और अल्टीमेटली हमारे पास एक थ्री सेल स्ट्रक्चर बन गया जिसमें आपके पास एक जेनेटिव सेल है जिसके दो हिस्से बनाकर मेल गैमिट बना दिया था और एक आपके पास क्या रह गया था वेजिटेटिव सेल क्या कल वाली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सबको क्लियर है यस प्लीज टेल मी हां जी बता दो बोर्ड्स के बारे में क्या बताएं बच्चों बोर्ड्स के लिए भी यही लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं अगर आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं आपने अगले साल बोर्ड्स देना है तो बेटा आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है दीज लेक्चर्स आर यू कैन रेफर फॉर बोर्ड्स एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन बोर्ड में आएगा तो जो मैं थ्योरी लिखती हूं यहाँ पर नोट्स बनवाती हूँ वो लिख के आ जाना अगर नीट में आएगा तो यार इसी में से मल्टीपल चॉइस बन के आएगा इसके अलावा तो कहीं से नहीं आएगा है ना बच्चों यस इससे बाहर तो नहीं आएगा ना हाँ ये जो बच्चा पूछ रहे ना माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है मिस्टर मिस्टर पीबी पीबी कल की क्लास लगाइए आज की क्लास उसी को समझ आएगी जिसने कल की क्लास लगाई है कल हमने बात की थी व्हाट इज माइक्रोस्पोरोफिल व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है मेल गैमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन में फिर हमने देखा दो तरीके के सेल उसमें से जो नीचे वाला जर्म सेल है छोटे वाला वो डिवाइड होके क्या बना लेता है मेल ग्यामिट कुछ में पहले बना लेता है कुछ में स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद बनाता है तो कल की क्लास रेफर कीजिए सारे के सारे नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है नोट्स आपको मिल जाते हैं बट क्लास लाइव लगाइए और लाइव नोट्स बनाएंगे तभी बेटा बात आएगी तभी मजा आएगा नहीं तो मजा नहीं है बेटा नहीं तो कोई मजा नहीं है दूसरी चीज बेटा मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाली हूं आज रात को हाँ आज रात को तकरीबन दस बजे का मैं टाइम रखूंगी जिसमें मैं सेल साइकिल और सेल डिविजन के क्वेश्चन कराऊंगी ओह जिसमें बेटा मैं सेल और सेल साइकिल के पी वाई कराऊंगी मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे ठीक है उसका लिंक आ जाएगा रात को दस बजे या साढ़े नौ बजे के करीब हम एक क्लास रखेंगे जिसमें हम उस चीज को निपटा देंगे ठीक है आ सकते हैं सब बच्चे स्पेशल क्लास में स्पेशल क्लास अन अकेडमी की फ्री क्लास है उसकी ऐप पे होती है तो जिसके पास अन अकेडमी का ऐप नहीं है सबसे पहले तो जाकर यार ऐप डाउनलोड करो अब भी क्योंकि जाके आप डाउनलोड करो साइमल्टेनियसली रात में हम जो चैप्टर हम कर चुके हैं यानी कि सेल साइकिल और सेल डिविजन हम उसके पीवाई क्यूज लगाने वाले हैं ठीक है नाइट टू नाइट टेन टू नाइट टेन पी ठीक है जी और एक और इंफॉर्मेशन देनी थी बेटा अभी ना थोड़े आगे वाले दिन मेरे ट्रैवलिंग के हैं बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल टुमारो एंड देन आई एम शिफ्टिंग एंड तो हो सकता है बेटा क्लासेस आपकी एक दिन लगे थोड़ा सा टाइम मुझे चेंज करना पड़े जैसे कल मैं आपकी क्लास लेकर जाना चाहती हूँ तो मैं बेटा टाइम थोड़ा जल्दी कर दूंगी प्रॉबेबली मैं टाइम रख दूंगी इसका थ्री ठीक है थ्री या थ्री थर्टी आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कल की क्लास मैं लेकर जाऊंगी परसों की क्लास बेटा नहीं हो पाएगी और उसके बाद भी तीन चार दिन बेटा मेरे यू नो थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे मेरा स्टूडियो ट्रांसफर हो रहा है तो मुझे उसमें टाइम चाहिए आप प्लीज परेशान मत होइएगा मैं आपको क्वेश्चंस देती रहूंगी मैं स्पेशल क्लास पे आपके साथ जुड़ी रहूंगी एंड वो सब आपकी डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी ओके कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ क्योंकि ट्रांसफर होती है ना बेटा चीजें तो टाइम लगता है सारी सेटिंग होने में सारे अरेंजमेंट होने में तो इसमें बेटा मुझे चार पांच दिन आराम से लग सकते हैं ठीक है जी बट आई विल स्टे कनेक्टेड आई विल कीप ऑन गिविंग यू असाइनमेंट्स मैं तुम्हें फ्री नहीं बैठने दूंगी तुम ये सोचना मैम तुम्हें फ्री बैठने देंगे ना चाहे तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो यूट्यूब हो या फिर प्लस हो फ्री तो तुम्हें नहीं बैठने देना क्वेश्चन पर क्वेश्चन आते रहेंगे वो आपको इसी टाइम के दौरान सॉल्व करते रहेंगे जैसे ही मेरी ये चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी चार पांच दिन के बाद उसके बाद हम अपनी रेगुलर क्लासेस लगा लेंगे ओके ठीक <laughs> है जी हाँ मृदुल बेटा मेरे नाम से सर्च करिए सीप पाहूजा हाँ, उसके आगे सब्जेक्ट का नाम लगा देना मिल जाएगा ठीक है सी पाउजा एंड देन बायोलॉजी बाकी आप लिंक ट्री पे जाओ यार सब कुछ वहां पर है गो टू लिंक ट्री तुम लिंक ट्री ट्री तुम लोग को ना अच्छे से यूज नहीं करते तभी टेलीग्राम है ये है बेटा सब कुछ लिंक ट्री पे ऑल कहाशन एवरी एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट नो तो गूगल पे डालो लिंक ट्री सी पाउजा जो पहला लिंक आएगा ना उस पर क्लिक कर देना तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर वहीं पर है सारे क्वेश्चन का आंसर वहीं पर है ओके जी स्टार्ट करें चलिए बेटा शुरू करते हैं बेटा हाँ फलक कह रही मैं दिल्ली आंसर देती हूँ आप मेरा नाम नहीं लेते बेटा फलक तक चल साथ मेरे तुम्हारा नाम कोई कैसे भूल सकता है इतना फेमस गाना है तुम्हारे नाम पर है ना तो फलक तक चल साथ मेरे बढ़िया गाना है ओके गाइस तो कल हमने यहां तक कर लिया था याद है ये मैंने कल के नोट्स आपके सामने खोल दिए हैं आपने बनाए भी होंगे अपनी कॉपी में है ना कल के नोट्स बेटा मैंने आपके सामने खोल दिए

चार उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम थे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भर भर के क्या घुसा हुआ है स्पोरोजीनस टिशू। स्पोरोजीनस टिशू के कुछ सेल एक ही बनेगा अब फटाफट से मेल में क्या था बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते थे एमएमसी बनते थे इसको पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं कुछ किताबों में बेटा क्वेश्चन पोलन मदर सेल के नाम से भी आ सकता है तो ये पोलन का भी मम्मी है कि नहीं है पोलन की मम्मी हुई माइक्रोस्पोर आगे बना रहे तो पोलन मदर सेल बेटा मियोसिस 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 एक करी। और क्या बना लिए माइक्रोस्पोर बना लिए तो देख ले कैसे बनाए ये एमएमसी था यानी कि पोलन मदर सेल पीएमसी भी बोल सकते हैं इसको <coughs> ठीक है इस मम्मी सेल ने मियोसिस वन और मियोसिस टू करके अल्टीमेटली क्या बनाया टेट्राड तो कोई अगर तुमसे पूछे वट इज द रिजल्टेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्पोरोजेनेसिस करके क्या बना तो तुम एक वर्ड में आंसर दोगे टेट्राड बना क्या बना साथ साथ में बोलते जाओ चैट सेक्शन में आंसर रुकने नहीं चाहिए बेटा क्या बना साथ साथ में टेट्राड बना अब इस टेट्राड के जितने चार सेल हैं चारों एन वाले हैं प्लॉइडी लेवल कितना है बेटा इस माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी लेवल रहेगा आपका एन ये जो टेट्राड बना इसका एक सेल यानी कि माइक्रोस्पोर आगे कन्वर्ट होगा किस में, मेल या, में पोलन ग्रेन। के अंदर बेटा पहले बना बड़ा फिर नीचे जो है उसके फाइबर बने. कैसे? फाइबर, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है तभी तो बेटा सेल ए सीमेट्रिकली डिवाइड होंगे ए सीमेट्रिक स्पिडल बने ये जो मैंने यहां पर बनाया हैं पिंक कलर से ठीक है जिसकी वजह से ए सीमेट्रिक सेल बनते हैं ऊपर वाला सेल वेजिटेटिव सेल नीचे वाला सेल जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल काफी बड़ा है साइटोप्लाज्म भी बड़ा डेंस है इसका काम है नरिशमेंट देना खाना पीना बेटा मैं आपको बताऊं इसी वेजिटेटिव सेल की वजह से पोलन ग्रेन को खाया जाता है इसकी दवाइयां बनती हैं इसके सिरप बनते हैं इसकी टेबलेट्स बनती हैं किस वजह से इसी वेजिटेटिव सेल की वजह से क्योंकि नरिशमेंट स्पाइस ऑफ इसके अंदर बहुत ज्यादा है तो ये नरिशमेंट घोड़ों को चाहिए होता है रेस में जो दौड़ते हैं ना हॉर्सेज उनको चाहिए होता है और बेटा एथलीट्स जो बड़ा यू you know, चाहिए होता है। तो अपने काम का सेल तो नीचे बैठा है ये जो काम का सेल है इसको बोलते हैं जेनरेटिव या फिर जॉर्म सेल दिस जर्म सेल विल अंडर गो वॉट माइटोसिस एक और माइटोसिस बेटा कितनी माइटोसिस तुमने देख ली है एक माइटोसिस यहां पर हुई एक माइटोसिस यहां पर होगी तब भी तो जेनरेटिव सेल के क्या बनेंगे दो मेल गैमीट दो मेल गैमिट अब इस साठ परसेंट एंजिस में

जो टेक्सोनोमी में बड़ा काम आते हैं हमें रिसर्च में काम आते हैं डिफरेंट स्टाइल्स हैं डिफरेंट पैटर्न हैं, और ये बनता है टेपिटम के द्वारा बनाए गए स्पोरोपोलिन से सब कुछ रिव्यू हो जाना चाहिए बेटा सब रिकैप्चुलेट करा रही हूं मैं तुम्हें ये किससे बनता है बेटा पो आ, टेपिटम के द्वारा बनाए गए स्पोरोपोलिन से स्पोरोपोलिन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस जो कि इसको एनवायरनमेंट से बचाता है एसिड एल्कली एंजाइम इन सब से बचाता है फॉसिलाइजेशन में भी मदद करता है तो पोलन ग्रेन्स के फॉसिल्स भी प्रिजर्व होते हैं बिकॉज ऑफ स्पो, दैट स्पोरोपोलिन एक जगह ऐसी है एग्जाइन में जहां स्पोरोपोलिन है ही नहीं उस जगह का नाम क्या है जम पोर क्या नाम है बेटा जी जम पोर अब अंदर की साइड जो वॉल है स्पोरोडर्म यानी पोलन ग्रेन की जो वॉल है उसका नाम है इंटाइन यही इंटाइन क्या बनाएगी पोलन ट्यूब बनाएगी ठीक है बच्चों तो ये अपने ने कर लिया था एक्साइन किससे बनती है स्पोरोपोलिन से क्या ये कॉन्टिन्यूस है येस yes और नो no. इज एक्साइन कॉन्टिन्यूस बताओ इज <coughs> एग्जाइन कॉन्टिन्यूस लेयर और डिसकॉन्टिन्यूस लेयर प्लीज टेल मी यस yes, बता दो इज एग्जाइन और ये जो बच्चे बोल रहे हैं अपनी अपनी सीटों पे खड़ा हो जाए और क्लास को छोड़ के जा सकता है बेटा एग्जाइन में बीच में छेद आ रहा है कहां से कॉन्टिन्यूस है कॉन्टिन्यूस तो वो होती है जो ऐसे राउंड बना दो नहीं बना सकते ना एग्जाइन में बीच में क्या आ रहा है छेद आ रहा है तो यार ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है लेकिन जो अपनी एंटाइन है जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बन रही है ये क्या है अपनी इसमें कहीं बीच में ब्रेक नहीं आ रहा कहीं बीच में बेटा छेद नहीं आ रहा सो इट इज अंटिन्यूस लेयर अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोस ठीक है जी और इसी ने क्या बनाना है पोलन ट्यूब तो आज अपने ने इससे आगे करना है ठीक है अब हमने लास्ट क्लास में क्या बना लिया था बेटा जी पोलन ग्रेन बना लिया था ठीक है पोलन ग्रेन बना लिया था ये पोलन ग्रेन का डायमीटर पता है कितना होता है ट्वेंटी माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है जनरली बेटा राउंड होता है स्फेरिकल है ये डायमीटर कितना बेटा टू माइक्रोमीटर है 25 50 है है इट्स राउंड स्ट्रक्चर ये ये जो है, ये जो फैक्ट ये टी देती है तो तुम्हें इसको लर्न करना है 25 से 50 माइक्रोमीटर तक पोलन ग्रेन का डायमीटर है अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया पोलन ग्रेन के अंदर ये जो ऊपर वाला सेल है ये ऊपर वाले सेल जिसमें खूब खाना पीना है क्या नाम था उस सेल का उस सेल का नाम था बेटा जेनरेटिव सेल उस सेल का नाम था वेजिटेटिव सेल हाँ जी भैया वेजिटेटिव जेनरेटिव तो छोटा था बड़ा वाला सेल जो है अपना कौन सा है वेजिटेटिव सेल भैया उसमें इतना खाना पीना है इतने न्यूट्रिएंट्स है इतना इनरेस्ट है कि आप पोलन ग्रेन से दवाइयां सिरप टेबलेट्स बना सकते हो जिसको अपने लोग बोलते हैं पोलन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं हाईली रिच इन नरिशमेंट और वो प्रोडक्ट बेटा टेबलेट की फॉर्म में भी मिलते हैं सिरप के फॉर्म में भी मिलते हैं वैक्स भी आती है बेटा किस वजह से हुआ क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है ये न्यूट्रिशन कौन से सेल में है बड़े वाले ऊपर वाले सेल में जिसका नाम क्या था बेटा मेजिटेटिव सेल अब इसकी कंज़म्पशन से ऐसा माना जाता है कि यार एथलीट्स की परफॉर्मेंस बड़ी इंप्रूव होती है साथ ही में रेस में दौड़ने वाले घोड़े यानी कि हॉर्सेस को कंज्यूम कराए जाते हैं ये पोलन प्रोडक्ट चाहिए इनमें शक्ति आ जाए और आपका घोड़ा जीते और आपको मिले पैसे है ना पैसे मिलते हैं यार हाँ ऐसे कुछ होते हैं यस <laughs> ये देखो मैं तुम्हें दिखाऊं ये पोलन प्रोडक्ट्स बेटा मार्केट में बिक रहे हैं इस तरीके से दवाइयां मिलती हैं खाने मत लग जाना यस दवाइयां मिलती है यस थैंक यू थैंक यू मलिक बेटा बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो मच आप लोग इतनी तारीफ करते हो तभी तो बेटा यहां पर मेरी एनर्जी बनी रहती है है ना इतनी तारीफ मिलती है मैम को चलो जी आ जाओ तो ये यार अपने पोलन प्रोडक्ट्स हैं बी पोलन पोलन प्रोडक्ट देखो यहाँ पे सिरप टाइप भी मिल रहा है शेक भी है क्रीम भी है प्रॉपर <laughs> और बेटा बी पोलन में आपको ऐसी दवाइयाँ भी मिल रही हैं दिस इज क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड द रेस फोर्सेस ठीक है जी अच्छा अब ये पोलन जो है वो कितनी देर तक जिंदा रह सकता है वॉट इज गोइंग टू बी द वायबिलिटी मतलब कि पोलन बना फॉर एग्जाम्पल क्या मैं उसको अगर अपने पास रखे रखू स्टिग्मा के पास ना भेजू फीमेल पार्ट के पास ना भेजू कब तक वो पोलन जिंदा रहेगा यानी कि द टाइम पीरियड दैट पोलन ग्रेन विल रिमेन वायबल सो दैट इट कैन जर्मिनेट दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज पोलन वायबिलिटी तो एक और डब्बा बनाते हैं ठीक है उसमें हम क्या लिखेंगे पोलन वायबिलिटी के बारे में लिखेंगे देखो ये ना हर प्लांट का अलग है और ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे थोड़ा डिपेंड करता है ठीक है नेक्स्ट इज गोइंग टू बी पोलन वायाबिलिटी ठीक है पोलन वायाबिलिटी दैट इज अ पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन द फीमेल पार्ट है ना कितने समय तक जिंदा रहेगा सिंपल भाषा में बोला जाए कितने समय तक भैया तुम जिंदा रहोगे क्या आधे घंटे में तुम्हें पहुंचना बड़ा जरूरी है या तुम्हें महीनों तक अपने पास रखें फीमेल के पार्ट में महीनों बाद भेजे तब भी तुम जिंदा रह लोगे तो वही बात है यार सो द पीरियड फॉर विच पॉलेंस रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेट एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा ये बेटा डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये चीज वाइबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी बेटा आ, दिस इज गोइंग टू तो डिपेंड अपॉन द प्रिलिंग टेम्परेचर कितना टेम्परेचर चल रहा है ह्यूमिडिटी कितनी है भैया ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो वैसी चीजें खराब हो जाती हैं ठीक है ठेके? तो so, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे ये चीज़ डिपेंड करती है एंड इट इज वेरी मच वेरिएबल हर प्लांट के लिए ये ड्यूरेशन अलग हो सकती है ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट आधे घंटे के बीच में ही हमें स्टिग्मा पे भे भेजने हैं तभी बेटा पोलन ग्रेन आके जर्मिनेट करेंगे या सारे पौधे या फिर सारे पोलन ग्रेन सारे प्लांट्स के पोलन ग्रेन महीनों तक आप रख सकते हो नहीं इट इज वेरी मच वेरिएबल हाईली वेरिएबल कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जिसमें आधे घंटे का ही समय है कि आधे घंटे के अंदर अगर स्टिग्मा तक पहुंच गए तो हम जर्मिनेट करेंगे नहीं तो हम जीरो है ठीक है हम जीरो कुछ महीनों का भी समय है सो इट इज हाइली वेरिएबल ये चीज क्या है बेटा बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है like जैसे जैसे सी फैमिली के आपके जो प्लांट्स हैं राइस है उसमें बेटा थर्टी मिनट्स का ही टाइम है आधे घंटे का टाइम है कितना आधे घंटे का टाइम है सीरियल्स में आधे घंटे में अगर तुम पहुंच गए तो, तो अपन अपने जर्मिनेट करेंगे नहीं तो अपने नहीं करेंगे लाइक राइस एंड बीट ऑब्वियसली राइट आंसर लेकिन बेटा कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जैसे कि सोलनेशिय फैमिली आलू अली सोलनेशिय फैमिली रोजेशिय फैमिली ठीक है देन लेग्यूमिनेशिय फैमिली मटर वाली ले इनमें बेटा सेवरल मंथ्स की है पोलन वायबिलिटी कितनी है बेटा महीनों की सेवरल मंथ्स ठीक है तो ये चीज बड़ी ही वेरिएबल है कुछ में आधे घंटे में हो जाता है कुछ में बेटा महीनों तक वायबिलिटी रहती है महीनों तक अगर नहीं भी पहुंचा स्टिग्मा तक बाद में भी पहुंच रहा है तब भी वो जर्मिनेट कर जाएगा सो दिस इज अबाउट द पोलन वायबिलिटी क्या ये चीज सबको क्लियर हुई पोलन वायबिलिटी यस बता दो <laughs> बताइए यार यस बताओ हाँ कुछ बेटा वटिया आके खराब कर दिया मैंने तो उनको निकाल दिया तुम भी निकाल दो चलो ओके सो अब यार ये जो पोलन है पोलन फायदे का तो बहुत है कुछ लोग तो खाते भी हैं बट कुछ लोगों के इससे हो जाते हैं बहुत ज्यादा एलर्जी है ना वो आएंगे प्लांट को स्मेल करेंगे पोलन उनके अंदर जाएगा और उनको स्नीजिंग, उनको खांसी आंखों से पानी बहना नाक से पानी बहना ये सब चीजें चालू हो जाएंगी सो दैट कम्स अंडर पोलन एलर्जी कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है और कुछ स्पेसिफिक प्लांट है जिससे पोलन की बेटा एलर्जी होती है सो टॉकिंग अबाउट पोलन एलर्जी बेटा कुछ सर्टेन प्लांट्स हैं देर आर सर्टेन प्लांट्स जिनसे पोलन में एलर्जी देखी गई है कुछ लोगों को होता है विच इज एलर्जी जिनके पॉलन बेटा एलर्जी कॉज करते हैं एंड एलर्जी विल इंक्लूड या एजमा हो सकता है hay fever, hay fever, मतलब नाक बहना आंखों से पानी आना ठीक है भाई जुकाम खांसी वाले आपको सिम्टम्स आ जाएंगे एलर्जी वाले सिम्टम्स आ जाएंगे अब वो प्लांट कौन है इसको याद करने का बेटा सिंपल सा फंडा है सीआईटी किस किसने देखा है बताओ सीआईटी <coughs> किस किसने देखा प्लीज <coughs> बता दो यार सीआईटी किस किसने देखा है यस yes, बताओ CID कौन कौन देखता है देखा हाँ। जब तुमने बेटा सी आई डी देखा था तो सी आई डी में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है ए सी पी प्रद्युमन है यही नाम है ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्या नाम है बेटा उनका जो कहते हैं दया को दया दरवाजा तोड़ दो दया जी दरवाजा तोड़ दीजिए कौन है ये एसीपी प्रद्युमन है यस yes, एसीपी है ना हाँ एसीपी बिल्कुल प्रद्युमन है तो सीआईडी के एसीपी से अपने लोग याद करेंगे पौधों के नाम जो कि एलर्जी कॉज करते हैं ए फॉर ए फॉर बेटा एमरेन्थस यस yes, सी फॉर चीनोपोडियम पी तो बड़ा खतरनाक है जो कि एक वीड है बाहर से आ गया था वीट के साथ दैट इज पार्थीनियम ठीक है पार्थीनियम इज द कैरेट ग्रास दिस इज वन ऑफ द मेजर वीड इन इंडिया एक वीड है बेटा जो कि कंटामिनेंट था जब हमने वीट को इंपोर्ट किया था उसके साथ एक कंटामिनेंट के फॉर्म में इंडिया में आ गया था ठीक है इट्स अ कंटामिनेंट कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड वीड विद इंपोर्टेड बीट ठीक है जी तो याद रहेगा एसीपी प्रद्युमन तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सीआईडी से अपने ने क्या लिया है इस निमोनिक को लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए निमोनिक बनाना पड़ रहा है इसके लिए ठीक है पॉलिन एलर्जी किस किस से होती है एमरेंथस चिनोपोडियम पार्थिनियम पार्थिनियम इज द मेजर वीड इन इंडिया इट केम अलॉन्ग एज अ कंटेमिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट ठीक है जी डन जी हाँ <coughs> लर्न हो गया तो कौन कौन बेटा पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं तुम बोलोगे एसीपी कॉज करते हैं इज द रीजन फॉर पॉल एलर्जी एंड हां जी सो विद विद दिस नाउ वी आर डन द मेल पार्ट अब अपना मेल पार्ट बिल्कुल समाप्त हो चुका है तो इसी बात पे बेटा सेशन को लाइक किया जाए हां करो इंतजार कर रही हूं मैं कम ऑन बेटा यार जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक्स तो बनते हैं कि नहीं बनते कम ऑन फटाफट से करो यार तभी हम फीमेल पार्ट स्टार्ट करेंगे यस yes, फास्ट <coughs> हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन बेटा ह्यूमंस में होता है प्लांट में नहीं होता है। हाँ इनकी वजह से हे फीवर में हिस्टामिन आ जाएगा यस हिस्टामिन कॉजेस कॉजेस एलर्जी एब्सोल्युटली कम ऑन बेटा फास्टली लाइक द सेशन शिवम बेटा मुझे नहीं पता आपकी अपनी इच्छा है आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो एक बार तो बेटा मेरे साथ नोट्स बनाइए हर हाँ, टीचर के पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है एक अलग ऑर्डर होता है एंड वो मेरे ख्याल से जिससे आप लॉन्ग टर्म पढ़ना चाहते हैं उसका ऑर्डर आपके पास होना चाहिए दिस इज वॉट आई बिलीव रेस्ट बेटा यू आर इंटेलिजेंट ऑन योर सेल्फ है कि नहीं आप भी तो इंटेलिजेंट है यस yes. बेटा मैंने रिमूव कर दिया मृदुल एवरी वन ये जितने भी स्पैमर्स है बेटा मुझे तो नहीं दिख रहे हैं आई कांट सी मैं तो तुम्हारे कॉमेंट देख के बता रही हूँ कि स्पैमर्स है बेटा ये रोज आते हैं ये वही सत्रह लाख जनता है जिनका होना नहीं है तो मेरे साइड से बेटा टीम इज़ वर्किंग आई कैन नॉट सी यू जस्ट ब्लॉक यस आप भी ब्लॉक कर दीजिए एक ना एक मिनट लगता है आपको भी दे, नहीं दिखेंगे ठीक है हाँ हम अपना काम में बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे हमें इन डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना बेटा मेरे को तो खुशी हो जाती है ये लोग आ जाए मुझे लगता है चलो मेरे बच्चों का ये कंपटीशन तो कम हुआ है ना ये तुम्हारा कंपटीशन है बेटा ये भी नीट का फॉर्म भरेंगे तुम्हारा ये कंपटीशन तो जीरो है तो जब तुम नीट का पेपर दोगे ना पूरे कॉन्फिडेंस से देना क्योंकि ऐसे पुष्पावटी टाइप्स लोग आएंगे तुम सोचो ऐसे लोग हो सकता है तुम्हारे पीछे बैठे हैं आगे बैठे हैं कहीं और बैठे हैं है ना उनका नहीं होने वाला तो यू गाइज आर इन द सेफ हैंड्स एंड यू गर्स शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट बेटा आधे से ज्यादा बच्चों ने तो ऐसे ही फॉर्म भर दिया है, है ना जो ये सब करते हैं क्लासों में जाके एनी anyway. <coughs> चलिए ठीक है शुरू करें कार्पल फीमेल पार्ट अपने ने स्टार्ट करना है आज मैं चार्जिंग पे लगा लू इसको ताकि हम फीमेल पार्ट अच्छे से कर पाए <laughs> कल की क्लास का बेटा मैं टाइम थोड़ा सा जल्दी रखूंगी आई होप फाइन यस ठीक है कल की क्लास बेटा हो सकता है तीन बजे हो तीन या साढ़े तीन बजे हो क्योंकि कल मैं काफी ज्यादा कवर भी कराऊंगी बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग डे आफ्टर टुमोरो तो तब क्लास नहीं होगी और उसके बाद एक लंबा गैप आ जाएगा तो मैं चाहती हूँ मैं जितना कंप्लीट करा के जा पाऊँ पूरा चैप्टर तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है एक दिन में कल में कराना तुम लोग भी पक जाओगे तुम कहोगे मैम अभी इतना समय पड़ा है आप वन शॉर्ट मत कराओ मैं धीरे धीरे ही कराऊंगी बट आई वॉन्ट कि जितना मैक्सिमम कर पाए ठीक है कल की क्लास थोड़ी जल्दी होगी ठीक है हाँ जी आ जाओ यार कार्पल पिस्टल और मेगास्पोरोफेल आप हमने जाना था कल कि देर आर फोर वर्ल्ड इन फ्लार टू आर द दसेंशियल एंड टू आर द नॉन असेंशियल नॉन असेंशियल कौन था केलिक्स एंड करोला उसको बाहर निकाल दो बचा कौन असेंशियल असेंशियल में था आपका एंड्रोशियम एंड गाइड्रोशियम एंड्रोशियम हमने डिस्कस कर लिया है कि भैया कैसे गैमिट बनता है मेल ग्यामिट अपना त्यार है देखो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल ग्यामिट दोनों का होना जरूरी है तो मेल ग्यामिट अपने ने तैयार कर लिया बना लिए पोलन ग्रेन के अंदर बैठा हुआ है दो मेल ग्यामिट कितने दो मेल ग्यामिट तो यार फीमेल से भी तो फीमेल ग्यामिट बनाएंगे तो आज फीमेल ग्यामिट बनाने की प्रक्रिया को शुरुआत किया जाता है तो फीमेल ग्यामिट बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं मेगा कल बताया था लड़कियों का मेगा है <laughs> लड़कियों के लिए ज्यादा जा, यूज करना है और लड़कों के लिए हम माइक्रो यानी कि मेल पार्ट के लिए माइक्रो फीमेल पार्ट के लिए मेगा तो दैट हियर द कार्पल और द पिस्टल इज कॉल्ड एज द मेगा स्पोरोफिल तो पहले टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सही होनी चाहिए अब इस कार्पल और पिस्टल के अंदर टोटल है थ्री पार्ट लेट मी जस्ट ड्रॉ द अपर वन इज द स्टिकी रिसीविंग एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा देन यू हैव ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एक डंडी टाइप का स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है स्टाइल और नीचे एक बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है ओवरी तो तीन हिस्से हो गए ऊपर वाले हिस्से का क्या नाम हो जाएगा बच्चों स्टिग्मा ये एक स्टिक्की पार्ट है इस पे आके पोलन ग्रेन चिपक जाएगा चिपचिपाहट है इस पे. ये रिसीविंग पार्ट है क्योंकि यार पोलन ग्रेन को रिसीव कर ला देन बेटा ये डंडी है दिस डंडी डंडी इज कॉल्ड एज अ स्टॉक एंड स्टॉक बड़ी स्टाइलिश है तो इसका नाम हो जाएगा स्टाइल इसी स्टाइल में से बेटा पोलन ट्यूब निकल के नीचे जाएगी ठीक है जी देन <laughs> आ जाइए अब अगले लास्ट बल्ब टाइप हिस्सा जो नीचे दिखाई दे रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द ओवरी तो ये मेजर काम अपना क्या है हमने इससे फीमेल गैमिट बनवाना है फीमेल गैमिट बनाने की प्रक्रिया इस ओवरी के अंदर ही होगी किसके अंदर होगी बेटा ओवरी के अंदर ही होगी अब इस ओवरी के अंदर ना बड़ी सारी खाली जगह दिस खाली जगह इज कॉल्ड एज अ लॉक्यूल और यहीं पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है द खाली कैविटी द स्पेस इज कॉल्ड एज द लॉक्यूल ठीक है एम स्पेस है कैविटी टाइप है खाली जगह चल रही है अब इस खाली जगह के अंदर प्रेजेंट है कुछ स्ट्रक्चर्स बेटा इसके अंदर ओव्यूल अब सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं इस ओव्यूल ने बड़े होकर यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन के बाद बनाना है बीज सीड बनाने क्या बनाने, बनाने. यानी कि जो फ्रूट है फ्रूट का सीड कौन बना रहा है ओव्यूल ये वैसे मैं लिखवाऊंगी भी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ओव्यूल क्या बनाता है? बनाता है है सीड अब तुमने कुछ प्लांट्स ऐसे देखे हैं कुछ फ्रूट्स uh, ऐसे देखे जिसमें एक ही बीज होता है जैसे मैंगो मैंगो में एक ही बीज होता है व्हीट राइस एक ही बीज होता है लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं जैसे ब्रिंजल वो खाया ना बैंगन का भरता बैंगन के भरते में कितने दाने 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 कितने बीज हैं है, है ना चिलीज जब तुम हरी मिर्च खाते हो हरी मिर्च के अंदर कितने सारे बीज निकलते हैं तो यार अपने पास दो तरीके की ओवरी हो सकती है कुछ ओवरीज ऐसी होंगी कुछ ओवरीज बेटा ऐसी होंगी जिनके बहुत सारे ओव्यूल होंगे कुछ के पास बेटा सिंगल ओव्यूल भी होगा मैनी ओव्यूल्स एंड सिंगल ओव्यूल भैया जो सिंगल ओव्यूल वाला है जैसे जिसके पास एक बीज ओव्यूल से तुम याद कर लो बीज की बात हो रही है तो एक बीज वाला फ्रूट कौन सा है मैंगो है सीरियल्स है ठीक है जैसा कि राइस वीट मेज बार्ले ये सब क्या है सिंगल ओव्यूल वाले एक से ज्यादा ओव्यूल बेटा पपीता खाया पपीता खाया पपीता खाते हो तो यार तुम्हें पता है पपीते के अंदर कितने सारे बीज होते हैं ठीक है पपाया बैंगन यानी कि ब्रिंजल ओ अपना मतीरा दैट इज वाटरमेलन, वाटरमेलन को हिंदी में क्या बोलते हैं खरबूज नहीं तरबूज है ना तरबूज चिल्ली चिल्ली के पास यानी कि मिर्ची मिर्ची के पास भी तो कितने सारे सीड्स होते हैं यस <coughs> yes? हाँ ये ऋग्वेद बड़ा आगे भाग रहे हैं एट न्यूक्लियस सेवन सेल्ड आया है किसके पास एट न्यूक्लियस है अभी कुछ नहीं आया अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि ओवी ओवरी के अंदर ओव्यूल होंगे ओव्यूल एक भी हो सकता है ओव्यूल एक से ज्यादा भी हो सकता है अब बात आती है कि एक प्लांट के पास किसके पास एक प्लांट के पास कितने कार्पल्स होंगे ये देखो मैंने यहां पर एक कार्पल बनाया है जरूरी नहीं है हर प्लांट के पास हर फ्लावर के पास एक ही कार्पल हो देर आर सर्टेन फ्लावर्स जिनके पास एक से ज्यादा कार्पल है एक से ज्यादा कुछ में तो बेटा बिल्कुल फ्यूज है और कुछ में ऐसे खुला खुला पड़ा है ये yes. सो so, कार्पल्स में भी बेटा आगे वेराइटी है <coughs> यानी कि ये जो अपना गाइनोशियम है इट कैन हैव वन कार्पल जिसको बोला जाता है मोनो कार्पेलरी ठीक है मोनो यानी कि सिंगल कार्पल होगा जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में आपको बना के दिखाया ये सिंगल कार्पल है ये क्या है बेटा सिंगल कार्पल है हां जी इट कैन हैव मोर देन वन ऑल्सो मल्टी कारपेलरी बेटा सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे टेलीग्राम इज विध माई नेम एंड इट हैज़ मनी सब्सक्राइबर्स अराउट एटी नाइन थाउजेंड तो तुम उसमें ढूंढ लेना ठीक है बेटा जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए बता रही हूँ मेरा नाम तो पता है सीप पाहूजा क्या नाम है सीप पाहूजा ओके okay, जी मिल जाऊंगी हां जी मल्टी कार्पेलरी मतलब एक से ज्यादा कार्पल है अब या तो बेटा कार्पल बिल्कुल ऐसे फ्यूज होगा इकट्ठा ऐसा झुंड बना हुआ है या फिर ऐसे तुमको अलग अलग कार्पल दिखेंगे ये फ्यूज नहीं है ठीक है या तो इस तरीके से बेटा आपको अलग अलग ऐसे कार्पल दिखाई देंगे तो मल्टी कार्पेलरी में दो चीजें हो सकती हैं है ना बच्चों दो चीजें हो सकती हैं या तो क्या है फ्यूज्ड फ्यूज्ड को बोलेंगे सिन कार्पस सिन मतलब फ्यूज या फिर बेटा नॉट फ्यूज वो होगा एपो कार्पस क्या होगा बेटा एपो तो कार्पस एग्जाम्पल याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है NCRT बताती है है इन के बारे में so you have to learn. Fused वाला बेटा most common है. ये ज्यादा पाया जाता है दिस इज प्रेजेंट इन ऑल द that यू हैव studied आपने जितनी भी चार फैमिलीज आपके सिलेबस में है ना सब में आपने देखा है जैसे हिबिस्कस में चाइना रोज ठीक <laughs> है पापावर पापा पावर एग्जाम्पल बेटा एनसीआरटी ने दिया हुआ तो अच्छे से याद होना चाहिए इसके पास सिंह कार्पस मल्टी कार्पेलरी ओवरी है गाइनोशियम है हांजी एपो कार्पस वो है विच इज विच हैज फ्री कार्पल्स इसके पास क्या है फ्री कार्पल्स है किसमें है माइशेलिया माइकेलिया बोल लो चलो ठीक है जी लोटस और सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर जिसकी तुम इमोजी भी बड़ी भेजते हो रोज यस yes? रोज तो याद रहेगा दो चीजें अभी तक याद कराइए बेटा मेरी क्लास में पढ़ना है तो यहीं पे याद करके जाना है दो चीजें अभी याद कराइए कि ओवरी में ओवरी दो तरीके की हो सकती है सिंगल ओव्यूल वाली भी और मेनी ओव्यूल वाली भी आपने देख लिया ठीक है जी ओव्यूल यानी कि जिसने बाद में जाकर बीज बनाना है सीड बनाना है तो ये तो आसान है याद रखना किस में एक बीज होता है और किस में एक से ज्यादा बीज होते हैं फिर हमने बात की कि कार्पल कितने हैं क्या एक कार्पल है या फिर बहुत सारे कार्पल है अगर बहुत सारे हैं तो क्या वो फ्यूज हैं क्या बेटा इस तरीके से ऐसे फ्यूज बैठे हैं तो बहुतों में बेटा फ्यूज होते हैं हिबिस्कस एंड आपका बेपवर और कुछ में बेटा ऐसे फ्यूज नहीं भी होते नॉट फ्यूज फ्री होते हैं ये देखो ये फ्री है फ्री वाली सिचुएशन किसमें है माइकेलिया लोटस एंड रोज ठीक है यस चलिए सो ये बात हो गई आपके गाइनोशियम की स्टार्टिंग गाइनोशियम की हमने यहाँ पर स्टार्टिंग कर ली अब बेटा इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर करेंगे किसका ओव्यूल अब देखो ये पूरा क्या है ध्यान देना टर्मिनोलॉजी पे आ गए ये पूरे का नाम क्या है मेगास्पोरोफिल जैसे कल किया था था माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन क्या था? ये क्या है मेगास्पोरोफिल वहां पर माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजियम थे नो yes no? मुझे चैट yes no चार्ट बताते रहो वहां पर एंथर में माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर चार आपके क्या थे माइक्रोस्पोरेंजियम थे तो भैया मेगा के अंदर मेगा स्पोरेंजियम नहीं होगा वहां माइक्रोस्पोरेंजियम था यहां पर क्या होगा बेटा जी मेगा स्पोरेंजियम वो मेगा स्पोरेंजियम और कोई नहीं है वो मेगास्पोरेंजियम बेटा ओव्यूल ही है तो ओव्यूल इज कॉल्ड एजास्पोरेंजियम वहां पे तो अपने को चार जगह दिख रहे थे है ना बाईलोड में दो थीका थे वो थीका के अंदर मुझे माइक्रोस्पोरेंजियम चार दिख रहा था यहाँ पे दिस इज दूल का ही बेटा दूसरा नाम क्या है मैं चाहूंगी बेटा इस क्लास के बाद ना जब मेल और फीमेल सारा हो जाएगा आप टर्मिनोलॉजी का एक पेज बनाएंगे ठीक है मेल पार्ट फीमेल पार्ट टेबल बनाएंगे ठीक है माइक्रोस्पोरेंजियम कौन था मेगास्पोरेंजियम कौन है कौन है कौन है मेल uh, गमिटोफाइट कौन है फीमेल गेमिटोफाइट क्या ये बनाएंगे सब बच्चे क्या ये बनाएंगे एक बार ही बता दो मुझे क्या सब बच्चे बनाएंगे और मुझे शेयर भी करेंगे शेयर इट विद मी ऑन टेलीग्राम ऑन इंस्टाग्राम इफ यू आर देयर टैग मी ओवर देयर आप मुझे दिखाइए कि आप होमवर्क कर रहे हैं ठीक है जी सब बच्चे बनाएंगे जो सीरियसली इस क्लास से बेनिफिट लेना चाहते हैं जो पढ़ रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंफ्यूजिंग भी है मामला ठीक है ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है <coughs> अब ओव्यूल बड़े सारे तरीके के। मैं भी आपको फोटो दिखा देती हूँ ओव्यूल कितने तरीके के बट एक्चुअली मैं हम जो ओव्यूल की बात कर रहे हैं जो मैं डायग्राम बनाऊंगी ये कौन से ओव्यूल का बनाऊंगी एनाट्रोपस एनजियम्स में सबसे ज्यादा फेमस एनाट्रोपस ही है बड़े सारे तरीके के ट्रोपस ओव्यूल है बेटा अभी हम देख लेते हैं डायग्राम से बट द मोस्ट कॉमन वन सीन इन एंजॉर्म इज कॉल्ड एज द एनाट्रोपस तो पहले अपने एनाट्रोपस का पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ओव्यूल के अंदर ये मान लीजिए ओव्यूल है लेट मी ड्रॉ इट अब बेटा दो तीन कलर ले आना यस सो दिस वन इज द ओव्यूल दिस इज द बेटा ओव्यूल ओव्यूल इज लाइंड बाई द कवरिंग इसकी बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है बचा के रखेंगे कि नहीं रखेंगे है ना इसको बचा के रखेंगे अपने लोग तो बचा के रखने के लिए इसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमने कुछ कवर्स बना दिए उन कवर्स को उन लेयर्स को कपड़े बना देंगे एक तरीके से क्या है ओव्यूल को तो हमें कपड़ा पहनाना है और कितनी लेयर में कपड़ा पहनाना है दो लेयर में कपड़ा पहनाना है कपड़े का नाम है इंटेग्यूमेंट इंटेग्यूमेंट वैसे कोटिंग को बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग तो यहाँ पे भी अपने ने इसको कपड़ा पहनाना है ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है भैया इसी ने आगे जाके बीज भी बनाने तो इंटेग्यूमेंट इसकी एक इनर होगी और एक क्या होगी आउटर होगी तो अभी मैंने <coughs> यहां पर बनाई है इनर इंटेग्यूमेंट ये देखिए बेटा यस ये कौन सी इंटेग्यूमेंट हो जाएगी बेटा इनर इंटेग्यूमेंट देख रहे हो और एक इंटेग्यूमेंट बेटा यहां से निकलेगी बाहर के कपड़े है ना ये अंदर के कपड़े हो गए ये बेटा इसके बाहर के कपड़े निकले ठीक है ये इसके बाहर के कपड़े निकले और इनको बोलेंगे बेटा आउटर इंटेग्यूमेंट ठीक है इसको बोलेंगे अपने आउटर इंटेग्यूमेंट और दोनों मिलके प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहे हैं दोनों मिलके प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहे हैं तो कपड़ों का क्या नाम है बेटा इसके दिस वन इज द ओव्यूल एंड दिस वन इज द इंटेग्यूमेंट दिस इज गोइंग टू बी द इनर इंटेग्यूमेंट इन टेग्यूमेंट एंड दिस वन इज गोइंग टू बी द आउटर वन आउटर इन टेग्यूमेंट ठीक है बच्चों कपड़े बना दिए ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे द बोथ आर टूगेदर गोइंग टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा जी दोथ आर टूगेदर गोइंग टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग यस दे आर गोइंग टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग तक क्लियर ठीक है जी हाँ जी हमने प्रोटेक्टिव प्रो, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली अब बेटा ये ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट था है ना ये योव्यूल ओवरी के अंदर था ये जो ओव्यूल है बेटा इट इज अटैच्ड टू द वॉल ओवरी की वॉल पे प्लेसेंटा होता है ये ओव्यूल ओवरी की वॉल से देखो मैं इसको Zoom कर देती हूं ये ओव्यूल ओवरी की वॉल से जुड़ा हुआ है हेल्प ऑफ एज क्या नाम दोगे, दोगे तो है बे. ये बेटा जुड़ा हुआ है ओवरी की वॉल से जिसके पास प्लेसेंटा है इस स्टॉक को जिस पाइप से जिस ट्यूब से जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं अपने लोग क्या बोलते हैं फ्यूनिकल तो ये जो मैंने नीचे बनाया ना ये दिस स्टॉक दिस इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल तो मैं इसको लेबल कर देती हूं दिस इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल ठीक है फ्यूनिकल की हेल्प से ओव्यूल किससे जुड़ा हुआ है टू द वॉल ऑफ ओवरी सो इसको बोलते हैं इट इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल यस एक तो ये नाम दे सकते हैं इट गिवस अटैचमेंट टू द ओवरी वॉल अटैचमेंट टू ओवरी वॉल ठीक है जी वॉल के पास क्या है प्लेसेंटा अब यार ध्यान दो इस ओव्यूल को ओव्यूल में ये वाला फ्यूनिकल है यानी कि स्टॉक है ये ऊपर ओव्यूल है बीच में बेटा एक पॉइंट आता है जहां पर अटैचमेंट है ये देखो ये वाला पॉइंट जहां पर बेटा स्टॉक इज कनेक्टिंग टू द ओव्यूल जहां पर स्टॉक इज कनेक्टिंग टू द ओव्यूल जैसे वो नहीं होता मान लो तुम्हारे पास एक गुब्बारा है है ना गुब्बारे को तुमने धागे से टांग दिया तो धागा और गुब्बारा कहां पर जुड़े हुए हैं सेम वे ये फ्यूनिकल और ये ओव्यूल कहां पर जुड़े हुए हैं दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द ओव्यूल दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज हाइलम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा पूछा जाता है <laughs> तो हाइलम मेल का हिस्सा हुआ या फीमेल पार्ट का हिस्सा हुआ फीमेल पार्ट का हिस्सा हुआ ना यस इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ किसका ओव्यूल विद किससे जुड़ा हुआ है फ्यूनिकल से ठीक है बेटा जी हाइलम के बारे में बात क्लियर हुई यू कैन इमेजिन दिस अरे ये क्या हो गया रुक जाओ रुक लेट मी जस्ट डिलीट इट ओ यस ऐसे भी डिलीट हो रहा है मैंने ऐसे डिलीट कर दिया दोबारा लिखना पड़ेगा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल funicle. ठीक है बेटा इतना क्लियर हो गया जहां पर जुड़ रहा है उसको बोलते हैं हाइलम सात सा ड्रॉ करना बेटा सब बच्चे सात साथ ड्रॉ करेंगे हाँ जी दूसरी चीज आती है यार एक पॉइंट तुम्हें ओव्यूल का ऐसा दिख रहा है ये देखो <laughs> एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहां पर इसने कपड़े नहीं पहने <laughs> देख रहे हो इस ओव्यूल को ऐसे पूरा कपड़ा पहनाना था हमने हमने यहां से लेकर यहां तक तो इसको कपड़े पहना दिए लेकिन यहां पे कपड़े नहीं पहनाए एक जगह ऐसी है जहां पर इसने क्लोदिंग नहीं पहनी है इंटेग्यूमेंट नहीं है द पॉइंट द पोर द पैसेज वेयर दिस इंटेग्यूमेंट इज एबसेंट दिस एंड इज कॉल्ड एज माइक्रो पाइलर एंड क्या बोलोगे बेटा इसको माइक्रो पाइल बोलोगे और इस एंड को तुम क्या बोल सकते हो माइक्रो पाइलर एंड ये वो हिस्सा है जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं है नहीं है ना इंटेक्यूमेंट नहीं दिख रहा देखो ब्लू वाली कवरिंग आसपास तो है लेकिन नीचे नहीं है अब इस माइक्रोपाइल से जस्ट ऑपोजिट ये ये है से जस्ट ऊपर देखो ऑपोजिटल इससे जस्ट ऊपर देखा तो मुझे ये वाला हिस्सा दिखा ये वाला एंड दिखा ये बेटा इस ओव्यूल का बेस है एंड दिस एंड इज कॉल्ड एज द छलाजल एंड यस इसको अपने लोग क्या बोलते हैं चलाजा और चलाजा क्या है बेस है क्या है बेटा ओव्यूल का ये बेस है देखो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके सारे एंड्स आपको पता होंगे तभी कल को जाके तुम पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन समझ पाओगे क्योंकि माइक्रोपाइल और चलाजा की बारे बारी बात होगी तो माइक्रोपाइल क्या है जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं है माइक्रोपाइल से जस्ट ऑपोजिट वाला एंड कौन सा है जस्ट ऑपोजिट वाला एंड कौन सा है बेटा चलाजा चलाजा एक तरीके से ऐसा है आजा भाई चले हाँ तो ये क्या हो जाएगा छलाजा ठीक है ये क्या है बेस है और माइक्रोपाइल वो हिस्सा है जहां इंटेग्यूमेंट एबसेंट है अब यार इस ओव्यूल के अंदर पता क्या प्रेजेंट है फीमेल गैमिटोफाइट अभी मैं उसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाऊंगी इस ओव्यूल के अंदर क्या प्रस्तुत है इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमिटोफाइट सो आई एम ड्रॉइंग इट ओवर हेयर दिस इज फीमेल गैमिटोफाइट अब इसका नाम हम लिख देते हैं एम्ब्रियोसैक यस ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसैक एंड एम्ब्रियोसैक इज फीमेल गैमिटोफाइट ठीक है एम्ब्रियोसैक इज फीमेल गैमिटोफाइट ओके तो मेल गैमिटोफाइट बेटा कौन था मेल गैमिटोफाइट आंसर दो कौन था पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमिटोफाइट कौन है एम्ब्रियोसैक ठीक है जी ये फीमेल गैमिटोफाइट आपके ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है अब यार अंदर कुछ तो हिस्सा ऐसा है जो ओव्यूल के अंदर बेटा एक तो एम्ब्रियो सैक है एम्ब्रियो सैक के अलावा भी तो मामला है ये देखो ये खाली जगह इसको खाली थोड़ा रखेंगे इस खाली जगह में डाल दिया है पैरनकाइमेटस टिश्यू एंड दिस पैरनकाइमेटस पैरनकाइमस जैसा स्टोरेज से भरा हुआ न्यूट्रिशन से भरा हुआ टिश्यू इसका नाम है न्यूसेलस यस yes, इसका नाम क्या है न्यूसेलस तो न्यूसेलस क्या है इट इज द पैरनकाइमेटस टिशू पैरनकाइमेटस टिश्यू फिल्ड इन द ओवरी और आई शुड से फिल्ड इन द दूल यस इसको हमने क्या बोला है न्यूसेलस क्लियर है Mm -hmm. चलो ऐसे कॉल्ड याद रहेगा अब डिफरेंट टाइप्स के न्यूसेलस होते हैं यार नंबर ऑफ न्यूसेलस भी वेरी कर सकता है तो उस हिसाब से अलग अलग ओव्यूल भी होते हैं बट इतना डिटेल अपने को नहीं करना है तो हमने यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ओव्यूल ओव्यूल क्या है मेगा स्पोरेंजियम है किसके अंदर होता है ओवरी के अंदर होता है एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं मैंने यहाँ पर एक क्लासिक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया जो कि 90% परसेंट एंजियम्स में पाया जाता है एक ओव्यूल के कपड़े भी हैं कपड़े पहन के रखता है जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट आउटर एंड इनर ये दोनों प्रोटेक्टिव है देन जहां पर इसने इंटेग्यूमेंट नहीं रखा है उस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल इससे जस्ट ऑपोजिट एंड कौन सा है चलाजल एंड चलाजल एक तरीके से बेस ऑफ द ओव्यूल है अब एक ओव्यूल के अंदर मिलता है हमें फीमेल का गैमिटोफाइट जिसको बोला जाता है एम्ब्रियोसैक क्या बोलोगे बेटा इसको एम्ब्रियोसैक अरे यहां पर है तुमने बताया नहीं तुम्हें दिख नहीं रहा प्रॉपर नाउ इज इट फाइन हाँ अब ठीक है बीच में यार ट्राइपॉड दिख रहा था तुम बता ही नहीं रहे थे चलो हाँ और बेटा जहां पर क्या मिटोफाइट नहीं है खाली जगह जो बची है उसमें क्या प्रेजेंट है न्यूसेलस द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल द पॉइंट वेयर द स्टॉक इज टू द ओव्यूल इसको बोला जाता है हाइलम क्या ये बात क्लियर हुई <coughs> हां जी क्या लिख पा रहे हैं आपने लिख लिया है मेरे ख्याल से मैं इतना स्पीड में करा रही हूं कि आप लिख पाएंगे अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो पीडीएफ मिलेगी जो बच बच जाएगा थोड़ा बहुत तो वहां से लिख लेना ठीक है जो बच जाएगा थोड़ा बहुत वो आप वहां से लिख सकते हैं आज फिजिक्स की क्लास तो नहीं है ना तुम्हारी इससे अगली मुझे ऐसा लगता है तो मैं लंबा पढ़ा सकती हूं तुम्हें है ना आई कैन टीच सो बेटा अलग अलग तरीके के ओव्यूल्स हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आप बना लीजिए बेटा मैं आपको दिखाती हूँ <laughs> बना लो फटाफट से <laughs> Just showing you. In an easy way. वैसे अपने काम का व्यूल कौन सा एनाट्रोपस जिसके बारे में हमने बात की थी है ना काम का यही है क्योंकि अपने इसी के साथ सब कुछ डीलिंग करेंगे बट इसके अलावा और भी बेटा तरीके के ओव्यूल है दिखा देती हूँ ये <laughs> देख लो हाँ जी दिख रहा है इसको खोल लेती हूँ कैन यू सी डीज आर द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ओके सो वी हैव ऑर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल एनाट्रोपस जो अपने ने अभी ड्रॉ किया यही एनाट्रोपस है हेमी एनाट्रोपस केम्पाइलोट्रोपस एम्फीट्रोपस एंड सरसिनोट्रोपस सो ये क्या है बेटा आपके टाइप्स ऑफ

इस टाइप के ओव्यूल को अपने लोग क्या बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल माइक्रोपाइलर एंड एंड द फ्यूनिकल दे आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन दिस इज कॉल्ड एज अपना ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ठीक है मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का ये क्या है मोस्ट प्रिमिटिव है ठीक है किस में पाया जाता है जिम्नोस्पर्म्स में और कुछ कुछ एंजियोस्पर्म्स में ठीक है वैसे बड़ा पुराना है कुछ एंजियोस्पर्म जैसे पाइपर उसमें पाया जाता है बाकी ये बड़ा प्रिमिटिव है यूजुअली इट इज फाउंड इन द जिम्नो जिम्नोस्पॉम्स एंड फ्यू एंजियोस्फॉर्म्स लाइक पाइपर अगला आ जाओ अपने काम को ओव्यूल देखो इसी ओव्यूल को तुम 180 डिग्री रोटेट कर दो ठीक है फ्यूनिकल यही रहने दो इसी ओव्यूल को बेटा 180 डिग्री रोटेट कर दो कितना रोटेट किया बेटा तुमने 180 डिग्री रोटेट किया तो तुम्हारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल बन जाएगा एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज गोइंग टू बी द एनाट्रोपस ओव्यूल जो अपने ने अभी यहां पर बनाया है ये कौन सा वाला है अपना एनाट्रोपस ओव्यूल है ठीक है आपने कितना रोटेट किया बेटा वन डिग्री रोटेट किया अब इस ओव्यूल को नब्बे डिग्री परपेंडिकुलर नब्बे डिग्री रोटेट कर दोगे तो बेटा कितना बन जाएगा इसी को ऐसे कर दिया 90 बटरकप यह हमें कॉलेज में पढ़ते हैं बेटा में पाया जाता है बटर कप में पाया जाता है इतना क्लियर हुआ तीन तरीके के ओब्यूल क्लियर पहला ऑर्थो से शुरू करना है माइक्रोपाइल चलाजा एंड योर फ्यूनिकल इन स्ट्रेट लाइन फ्यू निकल अपनी जगह खड़ी है बाकी के हिस्से को तुमने 180 डिग्री डिग्री उल्टा दिया, that will become anatropous. Anatropous कर दिया दैट विल बिकम एनाट्रोपस अब एनाट्रोपस को बेटा तुमने 90 डिग्री कर दिया दैट इज गोइंग टू बिकम द हेमी एनाट्रोपस ठीक है जी अब थोड़ी और बेंडिंग कर दो अब क्या करनी है थोड़ी सी थोड़ी बेटा ओव्यूल को और बेंडिंग कर दो क्या बन जाएगा कैंपाइलोट्रोपस ये मटरों में पाया जाता है लेग्यूम में है, लेग्यूम्स में ठीक है पाया जाएगा लेग्यूम्स में थोड़ी और बेंडिंग कर दी क्या बन जाएगा एम्फी यस एंड दिस वन इज गोइंग टू बी सरसिनो ट्रोपस ठीक है थ्री सिक्सटी डिग्री पूरा रोटेट कर दिया कितनी रोटेशन आ गई थ्री सिक्सटी डिग्री की रोटेशन आ गई ओके okay? हां जी क्लियर है तो ये पाया जाता है लेग्यूम्स में इसका एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख दूं तुम्हें दैट इज एलिजमा और ये कैटेशियर

बेटा अनसेट में ही चैप्टर आ रहा है अनसेट में आप जानते हैं सारी uh, 12th आ रही है एक्सेप्ट इकोलॉजी इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर ट्वेल्थ एंड फॉर ड्रॉपर ठीक है सारी इकोलॉजी आ रही है आप सबको वन शॉट से रिवाइज करके जाना बेटा अनसेट की के बारे में मैं बता रही थी आप सबको बेटा वन शॉट से प्रिपेयर करके जाना कहाँ पे मिलेंगे आपको सारे वन शॉट बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसका भी वन शॉट है और सारे चैप्टर्स का वन शॉट है जेनेटिक्स का भी वन शॉट है सबको प्रिपेयर करके जाओ कहाँ से लिंक ट्री से बेटा अनसेट में अगर अच्छा स्कोर करना है अगर यूरो स्पेस सेंटर के ट्रिप में जाना है तो बेटा आपको यह करना पड़ेगा लिंक ट्री से फटाफट से सब कुछ वन शॉट देख लो वहां पे तुम्हें तीन सेक्शन मिलेंगे इलेवेंथ ट्वेल्थ और आपका ड्रॉपर वाला तो ड्रॉपर वाला सेक्शन देख लो ठीक है अनसेट कब होगा एट्थ और फिफ्टींथ को होगा ये सबको देना है दो दिन है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों दे सकते हो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों दे सकते हो ठीक है जी इज दिस क्लियर हां जी तो मैं इसको रब कर दू टाइप्स ऑफ ओव्यूल इज डन अब ओव्यूल के अंदर की बात करते हैं ओव्यूल ने अल्टीमेटली क्या बनाना है फीमेल गैमिटोफाइट बनाना है तो यानी कि ये आपका ओव्यूल है ओव्यूल का क्या नाम है मेगास्पोरेंजियम है ना यही नाम था ना इस मेगास्पोरेंजियम ने क्या बनाना है फीमेल का गैमीटोफाइट बनाना है ठीक है जी इस गैमीटोफाइट को अपने लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक क्या बोलते हैं बच्चों एम्ब्रियो सैक एक बारी मैंने छोटा सा तुम्हें बता बना दिया था लेकिन मैं अब तुम्हें डिटेल में दिखाती हूँ एम्ब्रियो सैक कैसा दिखता है एम्ब्रियो सैक बेटा कैसा दिखता है तो यार अपना ओव्यूल कुछ इस टाइप का था ये देखो लाइक like दिस हमने बनाया था है ना ऐसा ओव्यूल था ना इस एंड को अपने ने कौन सा एंड बताया था माइक्रोपाइलर एंड एक बार बेटा एंड्स वाला हिसाब समझ लो दिस इज कॉल्ड एज एस दाइक्रोपाइलर एंड ये वाला एंड कौन सा था अपना चलाजल एंड था बीच में जो अपना टिश्यू प्रेजेंट था इस टिश्यू को क्या बोलते थे अपने न्यूसेलस बोलते थे बेटा ये एक तरीके का ना इम ओव्यूल है अब ये मेच्योर नहीं हुआ जब ये मेच्योर होगा तो यार ये फीमेल गेमिटोफाइट बनाने की तैयारी करेगा तो वन सेल ऑफ द न्यूसेलस याद रखेंगे न्यूसेलस का एक सेल डिफरेंशियट होगा और बना देगा मेगास्पोर मदर सेल कौन सा सेल डिफरेंशियट होगा द सेल विच इज एट द दाइक्रोपाइलर एंड देखो न्यूसेलस तो इतना बड़ा है देखो इतना सारा न्यूसेलस है लेकिन वो सेल बेटा डिफरेंशियट होगा जो माइक्रोपाइलर एंड पे है और उसी सेल से अल्टीमेटली क्या बनेगा मेगास्पोर बनेगा राइट सो वन सेल कौन से एंड पे एट माइक्रोपाइलर एंड चलाजल वाला नहीं होगा माइक्रोपाइलर एंड विल डिफरेंशिएट एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द मेगा स्पोर मदर सेल एमजीएमसी माइक्रोस्पोर वाले को क्या लिखते थे एमएमसी इसको क्या लिखेंगे एमजीएमसी क्या क्लियर है तो ओव्यूल के न्यूसेलस का माइक्रोपाइल पे प्रेजेंट वाला एक सेल बेटा डिफरेंशिएट होकर क्या बना लेगा एमजीएमसी बना लेगा ठीक है तो मान लो बेटा ये एक एमजीएमसी है मेगास्पोर मदर सेल इसको मैं लिख देती हूं यहां पर <laughs> मेगा मदर सेल ठीक है एक एम जी एम सी अभी इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी खुद सोच के बताओ यार अभी कोई मेयोसिस my, हमने की नहीं है ये नॉर्मल सेल है प्लांट का इसकी प्लॉइडी लेवल कितनी चलेगी इसकी प्लॉइडी लेवल चलेगी आपकी टू एन चलेगी ठीक है यस हो रहा है अब बेटा ये एम जी एम सी के अंदर होगी मियोसिस क्या होगी बेटा एमजीएमसी के अंदर क्या होगी मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद अल्टीमेटली एक सेल से कितने बनते है? पूरी मियोसिस कर दो वन भी कर दो टू भी कर दो जब तुमने मियोसिस वन और मियोसिस टू कर दिया तो एक सेल से कितने बनेंगे चार बनेंगे इन चार को क्या बोलोगे दीज आर द मेगास्पोर्स यानी कि एक एमजीएमसी से एक मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस करने के बाद तुम्हें चार मेगास्पोर मिले अब चार में से तीन तो बलिदान ही दे देते हैं अपनी चार में से तीन कुर्बानी देंगे कि भैया हम मर रहे हैं तो ये जो तीन है ये क्या कर जाएंगे बेटा डी कर जाएंगे द थ्री मेगा स्पोर्स दे विल डी ओनली वन इज गोइंग टू सरवाइव ओनली वन रिमेन्स एंड दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शनल मेगा स्पोर हां जी तो समझ आया एम जी एम सी किस सेल ने बनाया न्यूसेलस के सेल ने न्यूसेलस का कौन सा सेल जो किस साइड पे है माइक्रोपाइल की साइड साइड पे माइक्रोपाइल के माइक्रोपाइल वाली साइड पे एक सेल ऑफ न्यूसेलस ने बनाया मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल ने करी म्योसिस म्योसिस से बने चार मेगास्पोर चार में से तीन अपनी दे देंगे कुर्बानी कौन कुर्बानी देगा बेटा कुर्बानी वो देंगे जो है माइक्रोपाइलर एंड पे तो फंक्शनल वाला किस एंड पे है फंक्शनल वाला है चलाजल एंड पे टूवॉर्ड्स छलाजा डीजेट कौन किया है वो सेल वो मेगास्पोर जो की है यस yes, बेटा क्लियर है तो मतलब अगर मैं यहां पर इमेजिन करूं यहां पर इमेजिन करूं कि एक सेल ने डिफ्रेंशिएट करके एमजीएमसी बनाया उससे चार अपने मे मेगास्पोर बन गए ये जो तीन है ये जो अपने क्या बन गए चार बन गए फंक्शनल वाला एक ही है ये ऊपर वाला

क्वेश्चन इज हाउ मेनी हाउ मेनी एम जी एम सी मेगा स्पोर मदर सेल इन वन ओव्यूल यस वन टू और मेनी बताओ एक ओव्यूल के अंदर कितना एमजीएमसी यहाँ पे जिसने फोकस किया होता मैंने वन सेल लिखा हुआ है मेल में तो बहुत सारे होते हैं मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल लेकिन यहां पर सिर्फ एक होगा ओनली वन और वो एक सेल बेटा करके चार मेगास्पोर बनाएगा जिसमें से लैंड पे एक काम करेगा बाकी के तीन क्या कर दाएंगे डिजेनरेट अब यार अपने को इस एक से मतलब है <coughs> अपने को इस एक से मतलब है जिस पे मैंने रंग भर दिया ये अपना फंक्शनल मेगास्पोर है तो मैं आगे का डायग्राम बनाऊंगी दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर बेटा आप सबको मैंने बता दिया ना आज रात को दस बजे मैं आपकी स्पेशल क्लास लूंगी सेल का आपका डिस्कस करने हैं हमने लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे कहां पर टेलीग्राम पे ओके जी हम लोग आज रात को दस बजे डिस्कस करेंगे तो मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको फॉलो कर लोगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन आएगा ठीक है आज की क्लास यहां पर खत्म नहीं होगी तो दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर मैं पे लिख देती हूं ये क्या है फंक्शनल मेगास्पोर जो कि किस एंड पे था चलाजा पे था अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर तीन बारी लगातार तीन बारी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी बस न्यूक्लियस डिवाइड करेगा केरोसिज हो रही है तीन बारी एक दो तीन समझे तीन बारी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है यानी कि जब एक बारी न्यूक्लियर डिवीजन ऑब्वियसली माइटोसिस है बेटा। क्या है माइटोसिस हुआ एक से बने दो न्यूक्लियस दोबारा हुआ दो से बने चार न्यूक्लियस तिबारा हुआ चार से बनेंगे आठ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो क्या हुआ बेटा यहां पर तीन बारी थ्री फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई यानी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन हुई पहले सिंगल सेल से बाई न्यूक्लियट स्ट्रक्चर फिर टेट्रा स्ट्रक्चर फिर ऑक्टा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मतलब एक सेल के अंदर अब कितना न्यूक्लियस समा चुका है ये समा चुके हैं आठ न्यूक्लियस तो एक तरीके से आठ न्यूक्लियस है ये सारी डिवीजन माइटोसिस है या मियोसिस है बेटा जी माइटोसिस है मियोसिस होता तो सोचो यार क्या हालत हो जाती फंक्शनल मेगा हालांकि अपना है हाप्लोइड सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही बेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी केरियोकाइनेसिस हो रही है ठीक है कितनी हुई तीन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई अब जब इसके अंदर बेटा आठ न्यूक्लियस बन गए अब ये अपने अपनी ना प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेंगे प्रॉपर्टी होता नहीं बेटा फादर जो होता है वो अपने बच्चों में बंटवारा करके जाता है कि भैया ये दो दुकानें तेरे नाम पे है चल तू तो उन दो दुकानों पे ये जो मेरा फार्म हाउस है चंडीगढ़ वाला वो तेरे नाम पे है वो जो मैंने पटना में ले रखा था वो तेरे नाम पर तू उधर चल तो अपने बच्चों में क्या कर देता है बंटवारा अब यार यहाँ पे अपने पास आठ न्यूक्लियस है हाउ मेनी न्यूक्लियस एट न्यूक्लियर मैं लिख देती हूँ दिस इज एन एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर अब इनका बंटवारा कर दो कि भैया इनकी जगह डिसाइड कर लो जगह डिसाइड करने के बाद इन्होंने पता क्या अरेंजमेंट किया इसके बाद बेटा इन्होंने अपनी अपनी जगह को डिसाइड कर लिया जगह डिसाइड करने के बाद तीन न्यूक्लियस ऊपर आ गए तीन न्यूक्लियस बेटा नीचे बैठ गए और दो न्यूक्लियस सेंटर में हो गए इस बंटवारे को इस बंटवारे को अपने लोग क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन कि अपने ने बंटवारा करके तीन को ऊपर भेज दिया तीन को नीचे भेज दिया और दो को सेंटर में रख लिया ठीक है अब जो ऊपर नीचे वाले तीन है जो ऊपर नीचे वाले तीन है ये देखो ये तीन और ये तीन ये जो ऊपर नीचे वाले तीन है बेटा इन तीनों में बनेगी सेल वॉल इसमें नहीं बनेगी बीच वाले के पास कोई सेल वॉल नहीं बनेगी बीच वाले दो के पास ऊपर नीचे वाले जो तीन तीन हैं इनके पास बनेगी बेटा जी वॉल ठीक है तो अरेंजमेंट हो जाएगा कुछ इस तरीके का वन टू थ्री ठीक है सेल वॉल बन गई तो प्रॉपर सेल बन गया देन वन टू थ्री और बीच कैसे घूम रहे हैं बीच कैसे घूम रहे हैं दिख गया वॉल बनी किसमें सिर्फ ऊपर और नीचे वालों में <coughs> यानी कि इन तीन में और इन तीन में सेल वॉल बनी तो ये प्रॉपर सेल की तरह हमें दिख रहे हैं बीच के दो न्यूक्लियस ऐसे ही घूम रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें कितना न्यूक्लियस है भैया तीन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई थी तो आठ ही न्यूक्लियस है ना लेकिन सेल कितने हैं ये हो गए बेटा न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 एट न्यूक्लियस है ना दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली एट न्यूक्लियेटेड हाउ मेनी सेल्स सेल्स देख लो एक बड़ा सेल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ना सो दिस इज एट न्यूक्लिएटेड एंड सेवन सेल स्ट्रक्चर एंड दिस एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो साक इसको बेटा अपने लोग क्या बोलते हैं एम्ब्रियोसैक यही फीमेल ग्यामिटो फाइट है यही फीमेल ग्यामिटो फाइट है समझे किससे बना ये फीमेल गैमेटोफाइट एक फंक्शनल मेगास्पोर से वो एक फंक्शनल मेगास्पोर किससे बना था एमजीएमसी से वो एमजीएमसी किससे बना था न्यूसेलस के एक सेल से जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे था हाँ जी बताइए तो ये पूरी फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी किसकी पहले मेगास्पोर बनाया फिर एक मेगास्पोर से आगे एम्ब्रियो सैक बनाया दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस इसके दो पार्ट हैं। पहला ऊपर दूसरा नीचे इस पूरी स्लाइड में मैंने क्या एक्सप्लेन की है इस पूरी स्लाइड में बेटा मैंने एक्सप्लेन की है मेगा स्पोरोनेसिस ठीक है बच्चों दिस होल स्लाइड है जिसका पार्ट वन ये है और पार्ट टू ये है क्लियर देखो यार अगर तुमने यहां पे कलर यूज नहीं किए होंगे तो गड़बड़ है तुमने मेरे साथ नोट्स नहीं बनाए तो और गड़बड़ है तुम सोच रहे हो कि अभी मैं कथा की तरह सुन लू घर जाकर क्लास के बाद नोट्स बनाऊंगा तो महा गड़बड़ है ठीक है तो कोशिश करो नाइन्टी परसेंट नोट्स आपके यही बन जाएंगे समझने के साथ साथ बन जाएंगे <laughs> ठीक है नोट कर लो भैया भूमिका बेटा मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देती ना हमें पता है तो हमें नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता होगा तो क्या तुम इंतजार करती रहोगी इंतजार करना चाहती हो तो कर लो भैया वो इन्फिनिटी टाइम का भी हो सकता है हमें भी नहीं पता क्योंकि इसके बारे में ठीक है अगर तुम इंतज़ार करके नहीं ये समझना चाहती हो पॉजिटिव एटीट्यूड से यहाँ बैठोगी और समझोगी मेरे से तो बेटा फिर वो आपके लिए बेनिफिट होगा बाकी आप समझदार हैं आपको पता है आपका टाइम क्रूशल है या नहीं है है ना आपका टाइम क्रूशल है कि नहीं है ओके okay, मेगास्पोर बना लिया बता दो पानी पीते रहो भैया थोड़ा सा ही रहता है हाँ जी तो अगर तुमसे कोई पूछे फंक्शनल मेगास्पोर किस एंड पे था चलाजल एंड पे था एमजीएमसी किस एंड पे बनता है माइक्रो पाइलर एंड पे बनता है सो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग ऑन टू योर वे ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे बात हो किसकी एंड्स की कि कौन से एंड पे क्या बन रहा है अगर उन्होंने पूछा फंक्शनल फंक्शनल वाला था ना ऊपर कौन सा एंड है 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 कौन सा एंड बेटा जी है. अगर तुमसे पूछ लेंगे एमजीएमसी मेगा स्पोर मदर सेल तो तुम याद करोगे यार एमजीएमसी किससे बनता था न्यूसेलस के सेल से न्यूसेलस का कौन सा वाला सेल जो नीचे बैठा था नीचे यानी कि माइक्रो पायलर एंड एंड पर तो दिस यू रिमेंबर बाय बाय हार्ट, हार्ट बेटा याद हो जाना चाहिए हो गया ठीक <coughs> है हाँ जी मिस्टर गरीब टेक गेमर्स एक तो नाम ही ऐसा रखा है तुम्हें ना अपने आप को बोलना चाहिए कि यस आई कैन डू इट अब नाम ही गरीब टेक गेमर्स है क्या मतलब क्या हम क्या यही बनना चाहते हैं हम तो अमीर बनना चाहते हैं टेक गेमर्स तो चलो समझ आता है बेटा मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है जो चीज बोलोगे ना वही चीज बनोगे जो बोलोगे ही नहीं सोचोगे ही नहीं तो वो बनोगे कैसे सबसे पहले तो सोचोगे यार मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूं ठीक है परिवार में कोई नहीं है तो आप तो बाहर निकल सकते हो तो पहले सोचो सोचोगे तो बेटा आगे कुछ होगा तो नाम चेंज करके आना अगली बारी ठीक है ऐसे नाम मुझे डिप्रेसिंग नाम नहीं चाहिए यहाँ पे ठीक है आज रात को दस बजे स्पेशल है और कल की ये वाली क्लास जल्दी होगी और उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा मेरी साइड से ये मैंने आपको पहले बता दिया है हां जी अब सैक और फीमेल गेमिटोफाइट का थोड़ा सा अच्छा ब्यूटीफुल डायग्राम बना लेते हैं देखिए कितने सेल स्ट्रक्चर है सेवन सेल कितने न्यूक्लियस थे एट न्यूक्लिए <laughs> कितनी मियोसिस और कितनी माइटोसिस लगी इसको बनाने में बताओ कितनी मियोसिस और कितनी माइटोसिस लगी होंगी इसको बनाने में आप लोग बताइए मुझे आंसर एंड आई एम ड्रॉइंग दू स्ट्रक्चर ठीक है कितनी माइटोसिस और कितनी मियोसिस लगी सो दिस इज द फीमेल गैमिटोफाइट ठीक है जी दिस इज द फीमेल गैमिटोफाइट देन बेटा तीन सेल्स अपने सेल वॉल के साथ बन गए थे ऊपर आ गए थे ओके okay जी इन तीन सेल्स को अपने लोग क्या बोलते हैं इन तीन सेल्स को बेटा मियोसिस वन और टू एक ही काउंट होता है लेट मी क्लैरिफाई मियोसिस वन एंड टू इज वन द अपर थ्री सेल्स दे आर कॉल्ड एज द एंटीपोडल सेल्स क्या बोलते हैं ऊपर के तीन सेल्स को एंटीपोडल एंड सेल्स बोलते हैं ये किस साइड पे है चलाज़ा लैंड पे है ऑब्वियसली ऊपर वाली साइड क्या है छलाजा है नीचे के तीन सेल्स मैं बनाने लगी हूं ये दो सेल तो बेटा इस तरीके से ठीक है जिनके पास एक अपना न्यूक्लियस है इनके पास बेटा एक ऐपरेटस भी है एंड दैट एपरेटस इज कॉल्ड एज द फिली फॉर्म ऑपरेटस क्या नाम है बेटा साइनिट्स अच्छा आंसर दे दिया क्या आंसर दिया एक मियोसिस हुई और कितनी बारी माइटोसिस हुई वेरी गुड थ्री टाइम्स तभी तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन तीन हुई हमारी वेरी गुड वन मियोसिस एंड थ्री वन मियोसिस एंड थ्री माइटोसिस ओके सो ये साइनोर्जिट है और इस के ऊपर अपने काम का सेल बैठा सबसे काम का सेल तो यही है एंड दिस काम का सेल कॉल्ड द एग सेल दिस कॉल्ड द एग सेल ओके सो ये मैंने यहां ऊपर बना दिया इस सेल का क्या नाम रखे एग सेल कितने एग सेल हैं बेटा यही फीमेल गैमेट है कितने एग सेल हैं ओनली वन कितने साइनरजिट हैं टू कितने एंटीपोडल हैं ऊपर कितने दिख रहे हैं बेटा हमें एंटीपोडल कितने दिख रहे हैं थ्री दिख रहे हैं अब यार सेंटर में अपने पास एक और बड़ा सा सेल है ये देखो ऐसे <laughs> सेंटर में बेटा अपने पास एक बड़ा सा सेल है एंड दिस बिगर सेल इज कॉल्ड एज द सेंट्रल सेल क्या बोलते हैं बेटा सेंट्रल सेल और आपको याद है दो न्यूक्लियस बीच में भी थे पिछला डायग्राम खोल के रखना बेटा दो न्यूक्लियस आपके यहां बीच में भी थे जिनके सेल वॉल नहीं बनी थी। इन को अपने लोग क्या बोलते हैं पोलर न्यूक्लिया है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको पोलर न्यूक्लिया तो तीन एंटीपोडल ऊपर चलाजल एंड पे साइनर्जेट्स के एंड पे हुए बेटा साइनर्जेट्स हुए नीचे माइक्रोपाइलर एंड तो नीचे माइक्रोपाइलर एंड है ऊपर आपका छलाजलैंड है तो आपको पता होना चाहिए साइनॉर्जिट्स नीचे वाली साइड है साइनॉर्जिट्स के पास ऐसा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को अपने लोग बोलते हैं फिली फॉर्म फिल्लीटस क्या बोलते हैं बेटा फिली फॉर्म ऑपरेटस याद रखेंगे फिली फॉर्म ऑपरेटिस का क्या काम है बेटा ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे पोलन ट्यूब इसकी तरफ आकर्षित होती हुई आ जाती है तो पोलन ट्यूब इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एग देखो पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन के द्वारा बनाए गए मेल गैमिट ने आना है मेल ग्यामिट अल्टीमेटली किसको चाहता है वो चाहता है इस एग सेल को तो यार इस गैमीट को घुसाएंगे पोलन ट्यूब टू थ्रू दिस माइक्रो पाइलरेंट तो पोलन ट्यूब माइक्रो पाइलरेंट से ही क्यों एंट्री मारती है क्योंकि यहां पर फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स कुछ केमिकल्स रिलीज करता है वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो केमिकल अपनी तरफ इसको खींचते हैं पोलन ट्यूब को और बेटा पोलन ट्यूब यहां से एंट्री मारती है और उस एंट्री में भी कुर्बानियां हैं यार जब भी दो लोगों का मिलन है दो सेल्स का मिलन है तो कुर्बानी पे कुर्बानी तो होगी होगी बहुत लोगों को बलिदान देना पड़ता है पर देखो पहले तो तीन ने बलिदान बलिदान दिया अब पे देने की बारी आएगी की एक तो बलिदान दे देता है, पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले तो भैया मैं तो जा रहा हूं मेरे द्वारा, तुम मेरा केमिकल यूज कर लो एक साइनोर्जिट बेटा बलिदान देता है इट डीजनरेट आफ्टर एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब ठीक है <coughs> आफ्टर एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब ठीक है जी तो ये क्या है एक पोलिगोनम टाइप का एम्ब्रिय ठीक है बिकॉज इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पॉलीगोनम सो इसीलिए इसको पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं इसको मोनोस्पोरिक मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हैं क्यों बोल सकते हैं बेटा क्योंकि तीन तो मेगास्पोर खराब हो जाते हैं एक ही मेगास्पोर से बनता है है ना बिकॉज इट गेट्स फॉर्मड फ्रॉम ओनली वन मेगा स्पोर है कि नहीं बच्चों एक ही मेगास्पोर से बनता है तो मोनोस्पोरिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे दूसरा इसको क्या बोलते पोलिगोनम टाइप बोलते क्योंकि सबसे पहले उसी में डिस्कवर हुआ था <laughs> है ना दिस इज मोनोस्पोरिक ओके जी तो एम्ब्रियो सैक हो गया एम्ब्रियो सैक का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया इस पे बेटा कितनी बड़ी क्वेश्चन आए ये मुझे खुद नहीं पता क्योंकि बहुत बड़ी आया आप काउंट नहीं कर सकते कि जो फीमेल गैमिटोफाइट है कितने सेल्ड और कितना न्यूक्लिएटेड है बच्चे इसको एट सेल सेवन न्यूक्लिएटेड लिख के आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सेल कम है न्यूक्लियस ज्यादा है क्योंकि सेंटर में दो पोलर न्यूक्लिया ऐसे ही बैठे हैं ठीक है जी दो पोलर न्यूक्लिया का बलिदान थोड़ा सा देख ले साइनर्जिट बड़े बलिदानी सेल है। देखो असली मित्र वही होता है जो बलिदान देता है असली मित्र वो थोड़ा कि पार्टी खाने आ गया आज बर्थडे है तो पार्टी खाऊंगा बैठ के नहीं असली मित्र वही है जो बलिदान ही देगा तो यार ये असली हेल्पर सेल है ये पूरा कोऑपरेशन करेगा कोऑपरेटिव सेल है है ना बेटा असली मित्र है साइनरजेड ठीक है क्योंकि ये गाइड करता है भैया पोलन ट्यूब को कि तू आ तू मेरे थ्रू एंट्री मार मैं तेरे लिए बलिदान दूंगा ठीक है ये हेल्पर क्यों है बिकॉज इट गाइड्स इट गाइड्स द पोलन ट्यूब ठीक है इनका ये जो फिली फॉर्म ऑपरेटर्स मैंने बनाया ना इससे निकलते हैं केमिकल अभी मैं फर्टिलाइजेशन में समझाऊंगी इससे निकलते हैं बेटा केमिकल जिससे पोलन ट्यूब इसी की तरफ आकर्षित होती है उस मूवमेंट को बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब ठीक है कीमो मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब फटाफट से यार जिसको आज का समझ आया सेशन को लाइक कर दो हां जी बलिदानी देनी है एक पहले दे देता है एक बाद में देता है कल लिख लेना कोई बात नहीं सो वन आई मैं लिख देती हूँ यार मेरे से ना ऐसे रहा नहीं जा रहा खत्म कर रहे हैं बेटा लास्ट का ही चल रहा है ठीक है सो वन साइनजे मेरी भी बेटा क्लास है सिक्स फिफ्टीन पे तुम सोचो मैं इतनी देर से बोल रही हूं मैं फिर दो घंटे बोलूंगी और फिर रात में दस बजे बेटा अपनी स्पेशल क्लास है वन साइन ये इंपॉर्टेंट है डी जनरेट बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब एंड वन आफ्टर द एंट्री ठीक है इस पे आपको सवाल आ सकता है ओके okay, तो ये बात होगी बेटा आपने साइनरजिड और हेल्पर सेल की एंटीबोडल क्या करते हैं और वो क्या करते हैं अब आपको बेटा मैं छोटा सा होमवर्क दे रही हूं आपको इन सारे सेल्स का प्लॉइडी लेवल लिख के लाना है वॉट इज गोइंग टू बी द्लोइडी लेवल ऑफ ऑल दीज सेल्स बता सकते हैं एंटीबोडल का प्लॉयडी लेवल क्या है पोलर न्यूक्लियाई का क्या है साइनरजिड का क्या है और एग सेल का क्या है सबके आपको एक तो ये होमवर्क हो जाएगा कि आपको इनके प्लॉडी लेवल लिख के आने दूसरा होमवर्क आपके पास बेटा ये हो जाएगा कि आपको जो मैंने टेबल बनाने के लिए बोला है मेरे पास बेटा टेबल आ जाना चाहिए आज रात तक मुझे किसी ना किसी बच्चे का टेबल बना हुआ चाहिए मैक्सिमम का चाहिए मेगास्पोरोफिल कौन है माइक्रोकॉन है मेगास्पोरेंजियम कौन है माइक्रोकॉन है मेल गैमेटोफाइट कौन है फीमेल गैमेटोफाइट कौन है मेल गैमेट कहा है फीमेल गैमेट क्या है ये चारों चीजें मुझे टैबुलर फॉर्म में आप सबसे चाहिए ये सारे नोट्स मैं तभी दे रही हूँ ताकि तुम इससे इफेक्टिवली अच्छे से काम कर पाओ ठीक है यस yes, हाँ ये जो टू एंड बोल रहा है ना ये मार्क आएंगे अभी ओके सो लेट मी जस्ट मुझे क्या दिखाना था तुम एक चीज दिखानी है सो so, बेटा आज का जिसको समझ आया फटाफट -फड़ से यार सेशन को लाइक कर दो कल हम पॉलिनेशन करेंगे कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा पॉलिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना कि बर्ड आएगा कि कौन आएगा पॉलिनेट करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पॉलिनेशन और बेटा मेरे से जेनेटिक्स पढ़नी है इसी तरीके से वन बाय वन करके तो बेटा आप मेरे से जेनेटिक्स पढ़ सकते हैं मेरी प्लस क्लासेस में प्लस या फिर आइकॉनिक में अभी बेस्ट समय है प्लस का क्यों क्योंकि प्लस के अंदर चल रहा है ट्वेंटी ऑफ का ऑफर कितना ट्वेंटी ऑफ चल रहा है सो दिस ट्वेंटी परसेंट इज हैपनिंग इन द प्लस प्लेटफॉर्म प्लस लीजिए आइकॉनिक लीजिए हर सब्सक्रिप्शन पर इस समय है, कितना है ट्वेंटी परसेंट ऑफ है ठीक है ये ट्वेंटी परसेंट आपका छब्बीस से तीस तारीख तक ही है ठीक है इस ट्वेंटी परसेंट ऑफ को पाने के लिए बेटा कोड लगाएंगे क्या सीप प्लाई इससे मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी मेरे ब्रह्मास्त्र बैच में एंट्री भी मिलेगी पूरी टीम का सपोर्ट भी मिलेगा और अन अकेडमी पर जितने भी और बैचेस है ना सब बैचेस में एनरोल कर सकते हो अगर आप इस समय इलेवेंथ या फिर ट्वेल्थ क्लास में हैं और आपके क्लास में सीबीएसई फॉलो होता है तो आपके लिए तो बेटा थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ है कैसे सीबीएसई प्लस नीट का कॉम्बो लीजिए कोड लगाइए बेटा रेफरल कोड है आप जब ऐप पे जाएंगे ना रेफरल कोड जरूर लगा लेना नहीं तो फिर ऑफ नहीं मिलेगा मेरी गाइडेंस के लिए और इस अप टू थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ के लिए बेटा कोड लगाएंगे सी और जुड़ जाएंगे हमारे साथ मेरे बैच में और इसी कोड से आप सारे बैचेस में इनरोल कर सकते हो दूसरी चीज जैसा कि मैंने आपको बताया अनसेट नजदीक आता जा रहा है धीरे धीरे ये चैप्टर भी अनसेट में आ रहा है तो यार इसकी तैयारी के लिए आपको अब एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए एट्थ और फिफ्टींथ अक्टूबर को बेटा आपका टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में होगा इसमें जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे देखो ये नाइन्थ से लेकर टेंथ क्लास सब बच्चे दे सकते हैं ये सबसे अमेजिंग बात है बेटा से लेकर टेंथ क्या कह रहे हो ट्वेल्थ प्लस ड्रॉपर सब दे सकता है नीट यू जी आई वाला बच्चा अब इससे फायदा क्या होगा कि एक तो बेटा आपको मिलेगा स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में एडमिशन किस में एडमिशन मिलेगा स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में एडमिशन मिलेगा एक फ्री ट्रिप मिलेगा यूरो साइंस यूरो स्पेस सेंटर में यूरोप में स्पेस सेंटर बना हुआ है जहां पर अमेजिंग अमेजिंग बेटा फीलिंग्स आती हैं फीलिंग्स क्या को मतलब आप फिजिक्स की बहुत सारी चीजों को स्पेस की बहुत सारी चीजों को एक एस्ट्रोन एस्ट्रोनॉट वाली फीलिंग ले सकते हो स्पेस की बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हो तो यार उसमें आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट यस फ्री ऑफ कॉस्ट समझ रहे हो एकेडमी अगर आप इस एडमिशन लेते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं बाकी इस एक्सक्लूसिव रैंकर ग्रुप में बेटा आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाते के अपना हैं कितने कर रहे सिर्फ 100 का टेस्ट है। इस हंड्रेड रुपीज में भी तुमको दस परसेंट ऑफ चाहिए एट्टी नाइन रुपीज का हो जाएगा नाइनटी नाइन क्या वैसे एट्टी नाइन का हो जाएगा कोड क्या लगाएंगे सीप लाइफ ठीक है लाइफ कोड लगाना है बस और अनसैठ में आ जाना है सब बच्चे बेटा पिछले साल की जो टॉपर है ना मैं नाम नहीं लूंगी उसका बस उस बट उस टॉपर ने भी एडमिशन लिया था अनसैठ में और अनसैठ भी टॉप किया था तो तुम्हें टॉपर के साथ नहीं बैठना अगले साल के तो इसीलिए दो यार अनसैठी जई नीट यू जी आपका भाई बहन कोई छोटा नाइन्थ से ट्वेल्थ क्लास में है तो उसको भी बेटा लिंक दीजिए और ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी में भी एनरोल कर लीजिए सो दैट इज अबाउट द अनसे और जितने भी बैचेस है ना सारे के सारे बैचेस में तुम एनरोल कर सकते हो वाया जस्ट वन कोड दैट इज कॉल्ड एस सी पाइप ऑफलाइन सेंटर में भी अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो बेटा यहाँ पर अपना ऑफलाइन मामला चालू हो चुका है ऑफलाइन कोर्सेज चालू हो चुके हैं आप सी प्लाइव कोर्स से वहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा उसमें ठीक है जी चलिए तो ये बात थी आज की आज का सेशन अच्छा लगा वे लाइक जरूर करके जाना कल हम थोड़ा सा जल्दी लेंगे और आज रात में एक स्पेशल क्लास भी रखेंगे ठीक है लाइक like बहुत मैटर करता है एक कॉमेंट जरूर करके जाना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है चलो ये एनर्जी बना के रखेंगे और इसी स्पीड से अपने सारे सिलेबस को खत्म करते रहेंगे थैंक यू सो मच यस बेटा समर्थ बैच में इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों होगा अब स्टार्टिंग से एंडिंग नहीं मैं बोलूंगी कि लिविंग वर्ल्ड से लेकर इन्वायरमेंट तक लेके जाऊंगी मैं कराऊंगी सब कुछ लेकिन मेरा ऑर्डर वेटेज के अकॉर्डिंग होता है एनसीआर के अकॉर्डिंग नहीं होता मैं हाई वेटेज वाले यूनिट्स पहले कराती हूँ और जो थोड़े से कम वेटेज रखते हैं उनको बाद में कराती हूँ बट आपका इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों चीजें मेरे द्वारा कंप्लीट बायोलॉजी 38 के 38 चैप्टर्स इसी समर्थ बैच में होंगे सो जस्ट डू नॉट गो एनी आप एक टीचर के साथ स्टिक रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए ठीक है चलो कुछ काम बेटा घर पे भी सर्च करोगे इमरान के नहीं करोगे सारा मैं ही बता दू कुछ काम कुछ डाउट रात के लिए छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे कितने बजे के लिए दस बजे उसके लिए लिंक मिलेगा टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम पे ओके बाय बाय गाइस